हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। इन दिनों में बहुत सारे पेशेंट्स कंजक्टिवाइटिस के, मींस कॉमन लैंग्वेज में उसको आ खाना ऐसे बोलते हैं, तो इनके पेशेंट बहुत सारे मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल में, कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स और होम रेमेडी, मतलब घर में हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना है, इसके बारे में इन डिटेल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, रेनी सीजन है, ये जो मंथ है जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस होता है। स्पेशली जो बेबीज़ है उनमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जो कंजक्टिवाइटिस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे वायरल है, बैक्टीरियल है और एलर्जिक है। यस, तो ये जो है इसमें एलर्जिक जो है वो कुछ और रीज़न होता है, धूल मिट्टी और भी कारण होते हैं। बैक्टीरियल है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और कुछ वायरल है जो कि वायरसेस की वजह से होते हैं। तो ये जो 3 टाइप्स है इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि इसको हम पिंक आई ऐसे भी बोलते हैं। इसमें बच्चों के जो आँखें हैं बहुत सारी रेडनेस आ जाते हैं, लाल कलर के हो जाते हैं, इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली आती है, इवन वाटरी आई मीन्स आँखों से पानी निकलता है, आँखों में चिपचिपापन आता है, मतलब स्टिकी आईज होते हैं। स्टिकी आईज की वजह से आईज ओपन करने में डिफ़िकल्टी जाती है, फिर बच्चा इरिटेट होता है। यस, कुछ डिस्चार्ज मिलता है, कभी व्हाइटिश, येलोइश और कभी कभी इवन ग्रीनिश कलर का भी डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स है ये दिखने के लिए मिलते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मिथ्स जो है पब्लिक में, ऐसे मिथ्स है कि बच्चों, जिस बच्चे को आँख आई है, मतलब जिसको कंजक्टिवाइटिस है, उस बच्चे के आँखों में अगर किसी ने देखा तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस होता है। ये मिथ्स है, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं है। आई टू आई कॉन्टैक्ट हो गया तो इसका मतलब उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ट्रांसमिशन जो होता है वो अलग तरीके से होता है। हाँ, कंटेजियस है, मतलब एक दूसरे को टच किया, या वो जो डर्ट है वहाँ पे टच किया तो उसकी वजह से दूसरे को होता है। इवन जो टॉवेल है वो बच्चे को यूज़ किया, कंजक्टिवाइटिस जिसको है, और वही टॉवेल किसी और ने यूज़ किया तो उसके थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो स्प्रेड होता है, पर आई टू आई कॉन्टैक्ट से वो स्प्रेड नहीं होता है। सो आपको ये ध्यान में रखना है। थर्ड जो है कि आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब आप बच्चे के आँख क्लीन करते हो तो वो टॉवेल दूसरे किसी को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो टॉवेल से स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड जो बात है कि आपको हैंड वॉश जरूर करना है। जब आप बच्चे की आँख क्लीन करते हो तो आपको तुरंत हैंड वॉश करना है, क्योंकि अगर वही हैंड आप कहीं और लगाओगे और वही एरिया को कोई और टच करेगा तो उसको वो स्प्रेड हो सकता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपको होम केयर में क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है बाउल में, उसमें कॉटन भिगो के जस्ट वंस ओके, मेडियल टू लैटरल साइड में ऐसे सॉफ्टली उसको रब करना है और वो कॉटन फेंक देना है। फिर से वही कॉटन यूज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको और क्लीन करना है तो दूसरा कॉटन बॉल लेना है, गुनगुने पानी में डब करना है थोड़ा सा, वो जो उसमें से वाटर निकाल के फिर और एक बार आपको मेडियल टू लैटरल साइड ऐसे स्क्विच करना है। तो ये आपको ऐसे इसी तरीके से बच्चे की आँख आपको क्लीन करनी है, ताकि जो स्टिकीनेस है वो कम हो जाए और बच्चा इजीली आँखें ओपन कर पाए, उसको ना पेन हो ना कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी कंडीशन है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेडनेस बहुत है, बच्चा खुजली कर रहा है, तो आपको आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है या बच्चों के डॉक्टर है उनको आपको दिखाना है, वो आपको ड्रॉप या कुछ और चीज़ें देंगे, वो आपको करना है। आयुर्वेदा में एक और चीज़ बताई गई है, उसको हम स्तन्योपनयन बोलते हैं। यह स्तन्योपनयन मीन्स अगर बच्चा 1 साल से कम है या 6 महीने के अंदर है तो उसको आप जो मदर का मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क, उसको पूरी हाइजीनिक कंडीशन लेके वो जो ड्रॉप है ब्रेस्ट मिल्क का, वो आप बच्चों के आँखों में डाल सकते हैं। ये बच्चे को बहुत अच्छा, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे इसको स्तन्योपनयन बोलते हैं, जिससे बच्चों की आँखों का कुछ भी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के आईज में डालते हो ड्रॉप जैसा, तो वो आप हाइजीनिक, पूरा हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छे से क्लीन हैंड या
जिसमें आप ले रहे हो वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ऑटोक्लेव होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।